नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। अभी इतिहास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी ब्रिटिश शासन की भू राजस्व जो नीतियाँ थीं उन्हें देखा था। आज हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। तो आंदोलन से शुरू करेंगे हम लोग, वो स्वतंत्र होकर रहेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। इसका समय काल रहा है 1885 से 1905 तक, ठीक। इसे हम लोग नरम दल भी कहते हैं। इस समय के नेताओं को क्या कहते हैं? नरम दल। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी से माना जाता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखना है 1885 में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। ये आपका कई बार पूछ लेता है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और एक कब हुआ। तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद बनर्जी। तो आपको तीन पॉइंट यहाँ याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर को हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। ये भी आपका कई बार पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आपको बता देना है ए ओ ह्यूम, स्कॉटलैंड के। एलन ऑक्टिवियन ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकीय पक्षी विज्ञानी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। हालांकि जो आपके एओ ह्यूम साहब थे, वह हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता थे, बल्कि परंतु उसने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की है। एओ ह्यूम साहब ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ए ओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से वेटनमैन नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में विलियम डिगबी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे हम लोग उदारवादी गुट कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी गुट। उदारवादी गुट के प्रमुख नेताओं की बात करें हम लोग, तो ये आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कि ये उग्रवादी नेता हैं या उदारवादी। तो आपको उदारवादी नेता याद रखना है, पहले दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, दीन शावाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये आपके उदारवादी नेता हैं। उदारवादियों के उद्देश्य की बात करें तो वे संवैधानिक तरीके से भारत की को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे और अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी। उदारवादी नेता अपनी मांगें प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे।
मतलब बिना बड़े बेनमत तरीके से। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के लचीलेपन व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा कि राजनीतिक तरीके से भिक्षा मांग रहे हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराती रही। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, 1892 में जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, इसके द्वारा कुछ निकाय स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे 1888 में। पूछ लेता है कई बार कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवाई आयोग की नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम इस चरण की राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक उपलब्धियां थीं, इस समय की प्रारंभिक उपलब्धियां थीं। ये आपकी नरम दल की, जो नरम दल की नेता थी उन्हीं का योगदान था। फिर चाहे आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो भारत इंग्लैंड में एक साथ कराना, फिर चाहे बेलवाई आयोग हो, फिर चाहे आपका भारतीय परिषद अधिनियम हो, इन्हीं के योगदान के कारण ये उपलब्धियां प्राप्त हुई। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण देखते हैं, 1905 से 1919 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद या फिर उग्रवाद, उन्हें उदारवादी कहा था, याद रखिए वो चरण उदारवादियों का था, इसे नव राष्ट्रवाद या फिर उग्रवाद का के उदय का काल माना जाता है। उसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का सूत्रपात हुआ। इसी समय बात करते हैं हम लोग कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के बारे में। इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक साहब थे, अरविंद घोष थे, विपिन चंद पाल थे, लाला लाजपत राय थे। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय आपके बाल गंगाधर तिलक साहब को जाता है। इन्होंने उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास में धार्मिक रूढ़िवादी का आश्रय लिया था। ये आपसे कई बार पूछ लिया है, क्या पूछते हैं, तिलक ने 1894 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया, किसने किया था, तिलक साहब ने। ठीक है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम आपके तिलक साहब ने ही दिया था। उग्रवादी नेताओं का विश्वास था, क्या था, उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में लाल बाल पाल उग्रवाद के तीन प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद पाल। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से हुआ।
राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र थे आपके बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। इस चरण में क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं अपितु युत्साह को अपना आदर्श घोषित किया। बात करते हैं अब बंगाल विभाजन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में लगभग इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बंगाल विभाजन से आपके। इसमें आपको याद रखना है कि किसके समय बंगाल विभाजन हुआ है, उसके किसके समय रद्द हुआ है। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन, इस नाम को याद रखना है, किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हुआ, याद रखना 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हुआ यानी कि लागू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अगस्त 1905 को ही संपूर्ण बंगाल में कांग्रेस द्वारा शोक दिवस आयोजित किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया अपितु स्कूलों, अदालतों, उपाधियों व सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। इसमें बहिष्कार आंदोलन के तहत बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फेजर था, एंडरसन, ठीक। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ वनरजी साहब ने किया था। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र साहब ने दिया था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना था, इनका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना था, इनका प्रमुख उद्देश्य। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, याद रखना 1911 में आपका दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी, लेकिन इसकी स्थानांतरण हमेशा के लिए 1912 में हुआ, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदंबरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया इसका। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना। अब बात करते हैं हम लोग मुस्लिम लीग की। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए
पिथम निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ? ढाका में। 1908 में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। इस मांग की पूर्ति सीख की 1909 में जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम आया, इसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार द्वारा हुई इसकी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। एक आपका ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कामागाटा मारू प्रकरण। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था, तथा 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा। तो याद रखना, गदर अखबार कब निकाला गया? तो 1913 में। गदर के प्रत्येक अंक के पहले पेज पर छपता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाटा मारू प्रकरण आपका 1914 ईस्वी में घटित हुआ। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में भारतीयों के कनाडा प्रवेश को लेकर कुछ भारतीयों पर लगे प्रतिबंध के विरोध आंदोलन हुआ। आंदोलन के नेताओं ने सौर कमेटी की स्थापना की। नेताओं में प्रमुख थे बलवंत सिंह, हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदीप सिंह ने जलपोत किराए पर लेकर कनाडा बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। इसी समय ये घटना आपकी घटी थी। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण। अब बात करते हैं हम लोग कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद व्यापक होते जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी गुटों में विभक्त हो गई। 1907 के अधिवेशन में आपकी जो कांग्रेस थी ये उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में विभक्त हो गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों द्वारा पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन के प्रयोग को लेकर कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, जिसमें भाई बालमुकुंद को फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या? लखनऊ पैक्ट या समझौता, ये हुआ है आपका 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बम्बई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकृत हो गई। यह योजना कांग्रेस लीग योजना यानी कि लखनऊ पैक्ट कहलाता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया।
जो कालांतर में कांग्रेस की भयंकर भूल सिद्ध हुई। उग्रवादी एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट तिलक ने भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते में भूमिका निभाया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। फिर बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन 1916। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेड मांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। आयरिश नेता रेड मांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका केंद्र था पूना। क्या था? केंद्र पूना था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई। एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। याद हो आप लोगों को कि जो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, जो ISPCS प्रीलिम्स के लिए, उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। एनी बेसेंट की ये दो पत्र पूछे गए हैं, दैनिक पत्र था न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र था कॉमनवेल्थ। आगे बात करते हैं हम लोग, बाल गंगाधर के पत्र केसरी मराठी मराठा अंग्रेजी में भी इस आंदोलन के प्रचार में अग्रणी कार्य किया। तो याद रखना, बाल गंगाधर तिलक के कौन कौन है? पत्र केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी में। ठीक है, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 से हम लोग गांधी युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांधी युग भी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ये कई बार पूछ लेता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो आपको बता देना है 1915 में। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। आगे बात करते हैं हम लोग, महात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, जहां वह 21 वर्ष तक रहे लगभग। ठीक, भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था भारत में। जब वो भारत वापसी हुई उनकी, तब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि आपको बताया होगा कि 1914 से 1918 तक लगभग चलाए आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध प्रयासों में सहायता की, फलतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया।
गांधी जी डरबन से पिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने के क्रम में मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। याद रखना है इस स्टेशन को मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर, ठीक है। पूछ लेता है कहाँ गांधी जी को फेंक दिया था श्वेत व्यक्तियों द्वारा ट्रेन से, तो मैरिट्सबर्ग में, ठीक है। गांधी जी ने 1904 में डरबन में फीनिक्स फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कार्य सत्य की प्राप्ति का रास्ता था, क्योंकि याद रखना है गांधी युग से अकारवार कोई भी परीक्षा हो एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इस टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी। गांधी की दृष्टि में अहिंसा का क्या रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, इसे ही रामराज कहा गांधी जी ने। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, कहाँ, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी के साथ विवाह हुआ था इनका। गांधी जी द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया इन्होंने। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे गांधी जी। इस पुस्तक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इसी आधार पर सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। भारत में 1917-18 में के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, ठीक है। खेड़ा किसान आंदोलन, फिर चाहे आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो। आगे बात करते हैं धर्म निरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टाल स्टायर से सबसे अधिक प्रभावित किया। फिर आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रॉलेट एक्ट 1919। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए सन 1918 में गठित सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश के आधार पर फरवरी 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसके तहत अंग्रेज सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी। यह कानून जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था, इसलिए भारतीय जनता ने इसको काला कानून कहकर कटु आलोचना की इसकी। द आनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। रॉलेट एक्ट के विरोध स्वामी सिद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया और एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया था। अंततः सरकार ने गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया, परंतु आक्रोश
कम नहीं हुआ। जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई इसी समय। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ। जलियांवाला बाग का नरसंहार को मॉन्टग्यू ने निवारक हत्या का नाम से विशेषीकृत किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आपका जलियांवाला बाग में एक बैठक आम सभा हो रही थी, जनसभा। तो याद रखना है किसके गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर में जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर, इस नाम को याद रखना है, जनरल डायर ने इस सभा को घेर कर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में 400 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला, राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा परिवर्तित कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में बढ़ते जन असंतोष से भयभीत सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया गया, यानी कि सही ठहराया गया। ठीक, बात करते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। आगे बात करते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने वचन दिया था कि वे तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कहा था कि तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार तुर्की का विघटन करने का निश्चय किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने की सलाह दी समय खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी तैयार कर लिया। नवंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से इस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत समिति के सदस्य शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है, खिलाफत समिति के सदस्य हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। खिलाफत और असहयोग की घटना पर एनचिनसन ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। बात करते हैं
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने प्रस्तावित किया था। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सीआर दास ने, कहाँ? नागपुर अधिवेशन में 1920 में। ठीक, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन को माना जाता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। 1 अगस्त 1920 को शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। ठीक, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार का दमन चक्र भी आंदोलनकारियों को रोक नहीं पाया। अंततः सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगाते हुए अली बंधुओं, पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। समय फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियां वापस नहीं ली गईं तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। कब? फरवरी 1922 को गांधी जी की वायसराय को दी गई धमकी की अवधि पूरी होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को, इस डेट को आप याद रखना है, 5 फरवरी 1919 को आपके चोरी चोरा की घटना घटित हुई। इस घटना में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। ने 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के लिए जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 1921 में एम एन रॉय राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के बारे में कई बार पूछ लेता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 1921 में।
किसने किया था? एम एन राय ने। भारत में 1922 ईस्वी में से इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा शुरुआत हुई है। कब से? 1922 से इलाहाबाद में। बात करते हैं स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का की स्थापना की। कहाँ? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना, विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना और मांगों के ना मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के हुए चुनाव में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। कलकत्ता के मेयर सी आर दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। 16 जून 1925 को सी आर दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल होने लगी और स्वराजवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी के पास आ गई। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य नेता थे। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में विघटन हुआ। इस बार उदारवादियों ने कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। देशबंधु चितरंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। किसने कहा था? देशबंधु साहब ने। ठीक है, बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के पश्चात देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही नवयुवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हुए। इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन दो धाराओं में विकसित हुआ था, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, और दूसरा आपका बंगाल में। उत्तर भारत में क्रांतिकारी नेताओं में आपके सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति थे। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। याद रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर ने की थी। कहाँ? कानपुर में। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना आपकी काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ? आपका 9 अगस्त 1925 को। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया,
जिसमें आपके रामप्रसाद बिस्मिल साहब थे, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहिड़ी को फांसी दी गई थी इसमें। ठीक है, इस कांड से संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। ठीक, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिसकर्मी पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 23 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को आतंकित करना था, मतलब जगाना था, उनका ध्यान इस तरफ लाना था। विधानमंडल पर बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद की रचना आपकी मोहम्मद इकबाल ने की थी, पूछ लेता है कई बार। ये नारा दिया था विधानसभा में बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार। ठीक है, लेकिन इसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने, परंतु सबसे पहले इसका नारा भगत सिंह ने दिया था। तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस प्रकार उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों सदैव के लिए अंत हो गया इसका। बंगाल में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। ठीक है, बंगाल में सूरसेन ने, यह संस्था की चटगांव में सक्रिय थी। इस संस्था के अन्य प्रमुख सदस्य थे अनंत सिंह, अमिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेदर, गणेश घोष और कल्पना घोष। 16 फरवरी 1933 को राजद्रोह के आरोप में सूरसेन बंदी बना लिए गए और 12 फरवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। 12 फरवरी 1934 को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को भयंकर दमन किया, जिसके फलस्वरूप 1932 में तक क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया। बात करते हैं साइमन कमीशन। भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी में एक्ट के अनुसार 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं।
जिसमें आपका कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, याद रखना है, इसमें कोई भी आपका भारतीय सदस्य नहीं था। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने इसका बहिष्कार किया, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहाँ जाए आयोग गया, उसका विरोध किया गया और काले झंडे दिखाए गए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन में मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। ठीक है, याद रखना है, साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। फिर आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में का आशय का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित थी। 11 मई 1928 को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना हुई, जिसे संविधान के सिद्धांत को निर्धारित किया गया। इस समिति में जो आपके सदस्य साथ थे, इन्हें संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसे ही आप लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे विषय शामिल किए गए थे। पूर्ण स्वराज को तत्कालीन लक्ष्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्णय का निर्माण किया था। ठीक, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी। नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में 1928 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेटस को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप करके सुलझाया था। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार एक सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेटस प्रदान न किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। फिर आता है आपका जिन्ना फार्मूला। मुस्लिम लीग ने के नेता जो आपकी मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे हम लोग जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कहा जाता है।
ठीक है। इसमें आपकी प्रमुख मांगें थी, मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए एक तिहाई प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण आदि। फिर होता है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी गई एक वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेटस की स्थापना के संदर्भ में समाप्त हो गया। ये समय सीमा इनकी समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घोषणा की कि आज हमारा केवल एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत की जनता का लक्ष्य। बात करते हैं अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंपा गया। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने वायसराय इरविंस के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, परंतु वायसराय द्वारा महात्मा गांधी की मांगें अस्वीकृत कर दी गईं। फलतः गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात कर दिया गया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ आपका। गांधी जी दांडी आए सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तमिलनाडु में सीआर राज गोपालाचारी तथा मालाबार में बेओकम सत्याग्रह के नेता के केलड़ ने नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार, इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते हैं आप लोग। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीकों से कुचलने का प्रयास किया गया। जून 1930 में कांग्रेस और उससे संबद्ध सभी संगठन गैरकानूनी घोषित कर दिए गए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया इसी समय। नमन कानून के उल्लंघन के पर गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में रखा गया। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बासी तियबची के हाथों में आ गया। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। श्रोता है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को
से शुरू हुआ, 12 नवंबर 1930 से, वही आपका 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इस सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, इसमें आपके कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, याद रखना है आपको। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता आपके थे तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, मोहम्मद सफी, आगा खान, फजलू खान, हक मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजी भीमराव अम्बेडकर साहब, सुंदर सिंह मजीठिया। इसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। गांधी जी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, याद रखना, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फिर आता है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ, 7 सितंबर 1931 को। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आपके गांधी जी ने भाग लिया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल रहा। फलस्वरूप यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी निराश होकर बंबई वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा, परंतु वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। अतः विवश होकर गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमनचक तेज हो गया। गांधी जी एस राजपूताना आजाद से लंदन पहुंचे, वह कैंगले हॉल में ठहरे थे। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी और आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। गांधी जी के अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत पूना समझौता। 16 अगस्त 1932 को विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि के नेतृत्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया जारी किया। इस पंचायत में प्रथम निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजन प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन के उपरांत 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पूना समझौता हुआ था। तो याद रखना, पूना समझौता आपका अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए
पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। फिर आया आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में मात्र 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। तो पूछ लेता है कि किसने, कौन से नेता ने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था, तो आपको याद रखना B.R. अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीन सत्रों में संपन्न हुई थी। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन, अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा। फिर आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से प्रारंभ हुआ? 1939 से। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रायगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से स्पष्ट किया कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मातृ सभा का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिरिक्त अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन आदि बातें निहित थी आपकी अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में ये सभी आपकी बातें शामिल थी। इसी के बाद आपका पृथक पाकिस्तान की मांग उठने लगी। 1933 ईस्वी से 1935 के बीच कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। याद रखना पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना को जन्म देने वाले आपके थे चौधरी रहमत अली। बाईस से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण पर का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार मान्यता 1942 के किप्स प्रस्तावों में सन्निहित थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की गई। इस मांग को फजलू लहक ने प्रस्तुत किया और खलीक को जम्मान ने इसका अनुमोदन किया। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद आपका क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रॉजबेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री E.R. तथा चीनी राष्ट्रपति च्यांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने हेतु उनसे उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल विचार विमर्श करें। परिणामतः ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक एवं वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए
टीफर्ड किप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, जिसे हम लोग किप्स मिशन के नाम से जानते हैं। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर सभी दलों से भेंट के पश्चात कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, संविधान का गठन, प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, आपकी जो किप्स प्रस्ताव था, इसमें क्या क्या थी आपकी औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना, संविधान का गठन, प्रांतों का पृथक संविधान बनाने का अधिकार शामिल था, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने किप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। किप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद साहब थे। बात करते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। इंतज़ार करिए, बस कुछ ही टाइम में हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग भारत को आज़ाद करके छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगस्त प्रस्ताव एवं किप्स मिशन की असफलता और कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। याद रखना, भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। गांधी जी ने बंबई में के ग्वालिया टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ होते ही गांधी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद आगा खां पैलेस में नज़रबंद रखा गया। आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन उपवास की घोषणा कर दी। गांधी को ब्रिटिश सरकार के उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को जेल से रिहा करना पड़ा। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन तटस्थता का रुख अपनाया था। तो पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग ने। कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यों का सहारा लेकर पुनः सक्रियता दिखाई। संघर्ष की संभावना से भयभीत होकर सरकार ने वेवेल योजना प्रस्तुत की। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। नेहरू ने प्रस्ताव को पेश किया तथा वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, याद रखना है, नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया था और वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। याद रखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई से नियमित रेडियो प्रसारण राम मनोहर लोहिया ने किया था, जबकि उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन दल की महत्वपूर्ण सदस्यता थी। उषा मेहता। बात करते हैं हम लोग आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लुई फिशर महात्मा गांधी की जीवनी का महात्मा गांधी के साथ थे। अरुणा आसफली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 के दौरान 3 स्थान बलिया, मिदनापुर और सतारा में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो आती है इसके बाद आपकी वेवेल योजना।
अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेविल भारत के वायसराय बने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की से परामर्श के पश्चात भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में लॉर्ड बेविल द्वारा भारतीय समस्याओं का नवीन हल प्रस्तुत करने किया गया, जिसे हम लोग बेविल योजना के नाम से जानते हैं। बेविल योजना में कहा गया कि वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाने के कारण समाप्त घोषित करना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना का मत था कि वायसराय की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं, जिसे कि वेवेल ने अस्वीकार कर दिया था। फिर आती है आपका कैबिनेट मिशन जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं ने से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत दिल्ली में आया। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड किप्स अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड पैंथिस लॉरेंस इसका नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय सचिव थे ए बी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री थे इसके। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने के 3-3 सदस्य सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन 25 मई 1946 से 11 मई 1946 तक चला। सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय न होने पर पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता का उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का सत्व प्राप्त हो सके। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री आपके शहीद सोहरावर्दी थे। फिर इसके बाद आपकी एटली की घोषणा आती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों की सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एटली की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहित्यिक निर्णय बताया। फिर आते हैं आपके माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। बस इंतज़ार कर लीजिए, थोड़े ही टाइम बाद आपको भी स्वतंत्रता मिल जाएगी। माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। तीन जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसे हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन योजना में आपके मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी, तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वह वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने स्वीकार किया। अबुल कलाम आज़ाद ने समर्थन किया, जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे।
विस्ताव के विरोध में आपके चौथ राम मिडवानी, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान थे, ठीक है, इसके प्रस्ताव के विरोध में। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून 1947 को, कांग्रेस महासमिति ने 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 याद रखना स्टेट को 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सष्टम था, जो भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का प्रथम प्रधान था, ठीक है, याद रख लेना है। आज से आप लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। ये था आपका, आपके आंदोलन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आपकी स्वतंत्रता तक का सफर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे नेहरू युग के बारे में, ठीक। भारत की स्वतंत्रता से बात के कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग नेहरू युग के नाम से जानते हैं, ठीक है।